Hi parents, how are you all? Fine? Okay, good children. Have you done your prayer? Very good. So children, have you given your exam? आप लोग ने अपना एग्जाम दिया इंग्लिश मैथ्स मैथ्स का तो आपका एग्जाम आज है राइट तो आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया ओके गुड सो चिल्ड्रन टुडे इज योर मैथ्स एग्जाम हाँ टीचर के लेक्चर के बाद आपका मैथ्स का एग्जाम है सी ऑन दी ब्लैक बोर्ड आई एम गोइंग टू राइट टुडेज डे आज का डेट क्या है 1/14th October 2020 ओके टुडेज डेट इज 14th October 2020 एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश हम क्या लर्न करने वाले हैं चिल्ड्रन इंग्लिश का लर्न करने वाले हैं चलो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर गो एंड रिमूव योर बुक एनोमैक्स लेवल बी बुक नंबर थ्री गो एंड रिमूव इट रिमूव एंड व्हाट इज अवर पेज नंबर चिल्ड्रन हमारा पेज नंबर क्या है 8 हमारा पेज नंबर क्या है 8 ओके टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटीज यू कैन सी ना ओके गुड सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी पेज नंबर 8 ऑल ऑफ यू रिमूव एंड आई एम गोइंग टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू इन हिंदी फिर बाद में नीचे ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे लिसन एक्टिविटीज लेट्स डू रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट द बिगनिंग लेटर ऑफ द वर्ड मीन कि हमें पहले पिक्चर को क्या करना है रिकॉग्नाइज करना है पहले पिक्चर को क्या करना है पहचानना है पहचानने के बाद जो वर्ड दिए हुए हैं वर्ड फॉर एग्जाम्पल कैट तो वर्ड हो जाता है सीएटी कैट तो ये वर्ड हो जाते हैं और ओनली ए दिया रहेगा तो वो क्या हो जाता है लेटर हो जाता है अल्फाबेट हो जाता है ठीक है वर्ड किसको बोलते हैं जिसमें 2-3 वर्ड्स होते हैं 4 उनको हम वर्ड्स बोलते हैं ओके चिल्ड्रन समझ में आ रहा है ठीक है तो इसमें लिखा है कि जो वर्ड दिया हुआ है उसका जो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो हमें क्या करना है राइटिंग करना है अंडरस्टैंड तो सी ऑन द ब्लैक बोर्ड आई एम गोइंग टू राइट दिस फुल activities that you can understand this okay and you can easily understand what teacher is trying to teach you so see on the blackboard I am going to write okay stop okay children so teacher ne apna activity blackboard pe bana diya hai as you can see aap logo ko dikhai de raha hai okay activities recognize the pictures बोलो चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स एंड राइट द बिगनिंग लेटर ऑफ द वर्ड इट मीन्स वापस से नीचे एक्सप्लेन करते हैं चलो कि पहले हमें पिक्चर को क्या करना है रिकॉग्नाइज करना है देखना है कि कौन सा पिक्चर है फिर उसका जो बिगनिंग स्टार्टिंग लेटर मीन्स दिस वन जो स्टार्टिंग लेटर है सबका वो हमें क्या करना है लिखना है बस राइट द बिगनिंग लेटर ऑफ द वर्ड अंडरस्टैंड जैसे हमारे बुक में है सेम टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है एज यू ऑल कैन सी यस चिल्ड्रन सो सी ऑन द ब्लैक बोर्ड टेल मी व्हाट इज दिस चिल्ड्रन गुड दिस इज अ बॉल व्हाट इज दिस बॉल तो सेमी टेल मी द स्पेलिंग ऑफ बॉल बॉल की स्पेलिंग बोलो यस बी ए एल एल सो बी तो दिया हुआ नहीं है ओनली ए एल एल दिया हुआ है तो हमें क्या करना है बी को लिखना है वी हैव टू राइट कैपिटल हाँ सब कैपिटल अल्फाबेट में दिया हुआ है बड़ा वाला लेटर कैपिटल यस तो उसमें उन जो कैपिटल लेटर दिया हुआ है उसमें ही लिखना है हमें स्मॉल में बिल्कुल नहीं लिखना है वी हैव टू राइट इन कैपिटल अल्फाबेट बी बी ए एल एल बॉल बोलो बी ए एल एल बॉल बी ए डबल एल बॉल
as you can see now, B A L L, ball. B A double L, ball. Understand? Very good. Now tell me what it is. Pen. Very good. Pen. तो हमें pen किससे आता है? We have to say. Pen किससे आता है? Yes. Very good. P for pen. P A N. Pen. बोलो children. P A N. बोलो. P A N. Pen. P A N. Pen. बोलो P A N. Pen. Very good. What is this? Doll. What is this? Doll. Write down D. D O double L. Say children, D O double L. Doll. डॉल को थोड़ा नीचे लिख देते चिल्ड्रन, बिकॉज उनका जो लेग है वो आ रहा है. ठीक है, जो नीचे लिख रहे थे. सी डॉल की स्पेलिंग देखो. डी ओ एल एल. सो फर्स्ट लेटर दिया हुआ नहीं है तो हमें खाली फर्स्ट लेटर लिखना है. व्हाट वी हैव टू राइट? ओनली डी. क्या लिखना है? डी. बोलो डी ओ एल एल, डॉल. डी ओ double L, doll. Okay children, understood? Good. Now tell me what is this? Yes. What is this? Drum. What is this? Drum. So drum kisse aata hai children? We have learned A for apple, B for ball, C for cat, D for drum. Very good. तो हमें इधर क्या लिखना है? डी. वी हैव टू राइट डी. तो वन एंड देन काउ. डी फॉर ड्रम. व्हाट इज दिस? डी फॉर ड्रम. ये क्या है? ड्रम. स्पेलिंग बोलो. डी आर यू एम, ड्रम. डी आर यू एम, ड्रम. व्हाट इज दिस? ड्रम. डी आर यू एम. ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? हमें फर्स्ट लेटर क्या करना है? लिखना है. ओनली दिस मच वी हैव टू डू. एंड व्हाट इज दिस? ये क्या है? देखो टीचर ने पिक्चर ड्रॉ किया है. थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बट समझ में आ रहा है. राइट, समझ में आ रहा है ना क्या टीचर ने ड्रॉ किया है? व्हाट इज दिस? यस, रैबिट. व्हाट इज दिस? रैबिट. चलो रैबिट की स्पेलिंग बोलो. सी ऑन योर सी seen your book and then say rabbit kisse aata hai children? Yes, R for rabbit. Chalo, one cow slanting line. R for rabbit. R A bolo. R A double D I T, rabbit. R A double B I T, rabbit. As you can see now children, चलो वापस से बोलते हैं. Recognize the picture and write the beginning letter of the word. What is this? Good. Ball. Spelling of ball. B A double L. B A double L. बोलो children, ball की spelling. B A double L. B A double L, ball. Okay, what is this? Very good. Pen. P A N, pen. Bolo children. P A N, pen. Yes, P A N, pen. What is this? Doll. D O double L. D O double L. Bolo D O L L. L टू बार है, टू टाइम है, इसलिए हम डबल L बोलेंगे. D O double L, doll. What is this? D R U M, drum. D R
drum. Drum. R A double B I T rabbit. R A double B I T rabbit. So children, in your book page number 8, right? Page number 8 में जो दिया हुआ है, in your Edumex book, huh? This much only we have to complete it today, हाँ? Huh? आज के लेक्चर में हम बस एक्टिविटी करने वाले हैं, जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया, as you can see. So आपको अपने बुक के अंदर भी जो डैश, जो फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक, दिस इज जिधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसके ऊपर, उनके ऊपर ही आपको लिखना है बी ए एल एल बॉल. ओके, जो डैश दिया हुआ है उसके उनके ऊपर ही लिखना है बी ए एल एल बॉल. फिर नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, डी डैश ओ एल एल, तो आपको डैश में क्या लिखना है, डॉल. ऐसे डॉल बना हुआ है ना, ये स्टैंड अप है और आपके बुक में सिट है, बैठी हुई है वो, सिट डाउन वाली, तो आपको उधर क्या लिखना है, डॉल. नंबर थ्री में क्या है, डैश ए एन, डैश ए एन, तो आपको क्या लिखना है, पी पी ए एन पैन. ओके, नंबर फोर में क्या लिखा है, डैश आर यू एम, तो आपको डैश आर यू एम में खाली डी लिखना है, डी आर यू एम ड्रम. ओके, एंड लास्ट नंबर फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, डैश ए बी बी आई टी, डैश ए बी बी आई टी रैबिट, तो आपको आर लिखना है, व्हाट यू हैव टू राइट, आर. ओके, सो आपको बस इतना ही करना है, फर्स्ट लेटर लिखना है, फोटो क्लिक करना है और टीचर को सेंड करना है, ठीक है. नीचे टीचर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं आपको, उसमें आपको अच्छे से नम नीट एंड क्लीन करके और फोटो सेंड करना है. अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोग को चिरान, आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये आपको कंप्लीट करके टीचर को सेंड करना है. चलो अभी हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग पर मूव करते, इसके बाद हम ड्रॉइंग करेंगे. See on the blackboard, I am going to make a drawing. So children, teacher ने क्या किया अभी, drawing बनाया है. See on the blackboard, I have make a onion. क्या बनाया teacher ने, onion. उससे पहले हमने जो किया है आज, जो हमने लर्न किया थोड़ा सा रिवाइज करते, ठीक है, बाद में हम drawing पे जाएंगे. चलो, recognize the picture and write the beginning letter of the word. पहले picture को देखो, फिर उसका starting का letter लिखना है. फर्स्ट पिक्चर इज बॉल, फर्स्ट क्या है, बॉल है, तो बॉल की स्पेलिंग हमें आना चाहिए, वी शुड नो द स्पेलिंग ऑफ बॉल, बी ए डबल एल बॉल. ओके, बॉल की स्पेलिंग बोलो, बी ए डबल एल बॉल. नंबर टू इज डॉल, नंबर टू क्या है, डॉल, डी ओ डबल एल डॉल. डॉल की स्पेलिंग क्या है, डी ओ डबल एल. देन नंबर थ्री इज पेन, पी ए एन पेन, नंबर थ्री क्या है, पेन, पी ए एन पेन. नंबर फोर, नंबर फोर क्या है, ड्रम, नंबर फोर क्या है, ड्रम. चलो ड्रम की स्पेलिंग बोलो, यस, डी आर यू एम ड्रम, बोलो डी आर यू एम ड्रम. एंड लास्ट नंबर फाइव इज रैबिट, नंबर फाइव क्या है, रैबिट है, आर ए डबल बी आई टी, आर ए डबल बी आई टी, आर ए आर ए डबल बी आई टी रैबिट, बोलो आर ए डबल बी आई टी रैबिट. अंडरस्टैंड, चलो वापस बोलो, बी ए डबल एल बॉल, बी ए डबल एल बॉल. टू इज डॉल, डी ओ डबल एल डॉल, डी ओ डबल एल डॉल. पेन, पी ए एन पेन, बोलो पी ए एन पेन. ड्रम, डी आर यू एम डी आर यू एम. लास्ट इज रैबिट, आर ए डबल बी आई टी रैबिट. ओके,
Plan, understand, go children. Now children, we have completed activities. Go and remove your book, Edumex Level B book number 2. Go and remove it. Edumex Level B book number 2. Jaake nikaliye. Remove. Abhi hum kya karne wale? Drawing karne wale. Last lecture mein what we learned? Pumpkin. Yes? लास्ट लेक्चर में हमने पंपकिन देखा था और आप लोग ने बहुत अच्छा कलर करके टीचर को सेंड किया था. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. नाउ पेज नंबर 4747 निकालो. ठीक है 4747. टीचर की ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है बट टीचर ने ट्राई किया है. ऑनियन क्या है ये? ऑनियन. पेज नंबर 47 निकाले आप. ओके कलर द ऑनियन पिंक. मीन्स ऑनियन मीन्स कांदा. तो कांदे का मीन्स ऑनियन का कलर कौन सा रहता है? पिंक रहता है. कौन सा कलर रहता है? पिंक. तो हमें कलर क्या करना है ड्रॉइंग में? मीन्स पिक्चर को कौन सा कलर करना है? पिंक कलर करना है. अंडरस्टैंड? कलर तो ऑनियन पिंक. तो टीचर ने देखो ब्लैक बोर्ड पे क्या किया है, ऑनियन ड्रॉ किया है. ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो मैच कर ही रहा है. राइट ऑनियन लिटिल बिट मैच हो रहा है. तो जो ऑनियन है इसको हम कौन सा कलर करेंगे? पिंक कलर करेंगे. कौन सा कलर? पिंक कलर. सो सी माय पिंक कलर. आप लोग भी अपना बुक निकालो एंड रिमूव योर कलर ऑल्सो. कलर भी निकालो एंड बुक भी निकालो और पिंक कलर निकालो. पिंक पी आई एन के पिंक. रिमूव पिंक कलर. रिमूव. ओके गुड. सो चिल्ड्रन ये जो हम ये जो ऑनियन है इसको हम आज पूरा फुल पिंक करने वाले हैं. ठीक है चलो फर्स्ट वे स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. हाँ यहाँ से ऐसे पिंक कलर करेंगे. पहले साइड साइड से कर लेता आउटलाइन बिकॉज लाइन क्या कलर बाहर चला जाता है हमारा. तो पहले हम स्लोली स्लोली आउटलाइन कर लेते हैं फिर इनसाइड तो हम फटफट कर ही लेंगे. राइट वी विल डू इट वेरी नीट एंड क्लीन. और कलर बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए चिल्ड्रन. एकदम अच्छे से कलर ड्रॉ करना है. देखो टीचर कैसे कलर कर रहे हैं. पिंक कलर दिखाई दे रहा है आपको? वैसे आपको कलर करना है. सी हियर इधर भी देखो लाइक दिस यू हैव टू डू योर कलर. चिल्ड्रन यू कैन सी ना आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर. यस यस गुड. सो चिल्ड्रन आपको देखो ऐसे कलर करना है. देखो टीचर कर रहे कलर सेम लाइक दिस. हाँ और बाहर तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए कलर. देखो सी कलर कंप्लीट हो गया है. आपका भी कलर टीचर के जैसे हो जाता है. राइट व्हाट इज दिस? ऑनियन. व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? ऑनियन. ओके ऑनियन मींस कांदा. सो ये जो ड्राइंग किए हैं वैसे आपको आपके बुक में ड्रॉ करना है. ठीक है बुक में कलर करना है. कौन से बुक में? एडोमेक्स वाला जो बुक है आपके पास उसमें आपको कलर करना है. और जिनके पास बुक नहीं है वो अपने नोटबुक में ड्रॉ और कलर करके टीचर को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं. ठीक है चिल्ड्रन तो आपको समझ में आया कि कैसे कलर करना है? जरा सा भी बाहर आउटलाइन तो जाना ही नहीं चाहिए ना. अंदर ही हमें फुल पिंक कलर करना है. ओके This is all for today. Bye-bye. Take care. See you soon.